मैं उज्वला बोल रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? मुझे सेकंड मैरिज करना अच्छा, तो सेकंड मैरिज करना है तो शुक्र तो आपका ठीक नहीं है। सेकंड मैरिज में भी तिकड़म हो रही है आपको। लड़का पसंद आ गया? है। हाँ, लड़का पसंद आ गया? एक लड़का पसंद है मुझे। तो सेकंड मैरिज करने के लिए और सेकंड मैरिज करने के बाद में आपको वो सुख मिलना चाहिए जो आप चाहती हैं। और जो कष्ट पूर्व में हुआ इसके पहले वो अब नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो लड़का आपको पसंद आ रहा है उससे आप शादी करना चाहते हैं, तो वो लड़का भी छोटी छोटी बातों में क्रोध करता है आपसे। करता है या नहीं बताइए। करता है थोड़ा थोड़ा। हाँ नहीं, प्रेम भी उतना ही करता है और गुस्सा भी उतना ही करता है, ये भी है। लेकिन छोटी सी बात पे क्रोध आ जाता है उसको। सबसे पहले आप जो है अपने शुभ नाम क्या लिखती हैं? उज्ज्वला। उज्ज्वला। वृषभ राशि है आपकी। वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र है। सबसे पहले आप जो है अपने शुक्र का उपाय करें, शुक्र का शुक्र पूजन करें, ताकि अब जो योग बन रहा है इसके बाद योग ना बने, वरना बार बार छूटने के योग बनेंगे। ये भी थोड़ा दिन रहेगा, साथ निभाएगा और फिर छोड़ देगा, तो ये परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। इसलिए कि ये सूर्य का और शुक्र का उपाय करें आप। सूर्य जाप भी करवाएं, शुक्र जाप भी करवाएं, और इसके बाद में आप शादी करें। ठीक है। ठीक है बेटा, रखें। क्या क्या पूछना चाह रहे थे आप, पूछें तो। मेरे यानी मेरी शादी होगी या नहीं, क्या दिखाई देता है आपको? को ये दिख रहा है कि जहां शादी होने वाली है वो भी छोड़ देगा, वो क्योंकि भी आपका सूर्य और शुक्र डिस्टर्ब है ना, तिकड़म तिकड़म हो रही है। उसमें भी छोटी छोटी बातों पे वो बात भी बात करता है, फिर मिल जाता है, फिर तेज हो जाता है, यानी कि फिर गुस्सा दिखाता है, फिर प्रेम दिखाता है ना। और यही परिस्थिति इसके पहले भी थी। पहले मेरी ऐसी परिस्थिति सुनो नहीं है। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वो अलग परिस्थिति थी। सुनो, वो एक्सपायर क्यों हो गए आपको पता है? छूटने क्यों हो का गए? पति सुख आपको नहीं है, पति सुख से वंचित के योग हैं बेटा। और पति सुख अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो प्राप्त होगा वो जीवन भर आपके साथ रहना चाहिए, है ये ना। मेरी शादी होगी या नहीं ये बताओ तुम। वो तो हो जाएगी, कब तक हो जाएगी इसकी? जब तुम चाहोगे तभी हो जाएगी। मैं अभी चाहती हूँ, अभी कहाँ हो रही है? वो आदमी मुझसे कभी बात करता है, कभी बात नहीं करता। वो मुझसे प्यार भी करता है और बात भी नहीं करता। वही तो मैंने आपसे बिना पूछे ही बताई हूँ ना, कि पूछी हूँ आपसे। नहीं, ये शादी करेगा क्या? ठीक नहीं, ये है, आदमी आपसे मैंने बिना पूछे ही बताई हूँ, आपसे पूछी नहीं हूँ मैंने कि वो आदमी क्या करता है। और जितना बात हमने बताया वह पूर्ण सत्य है या नहीं, वो बताइए बेटे। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा झगड़ा करता है लेकिन प्यार भी करता है मुझसे। लेकिन ये मुझसे शादी करेगा या नहीं, या कब करेगा, कब हो जाएगी मेरी शादी? होने के चांसेस है क्या? नहीं, ये बताओ। ये आपकी शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन ये तिकड़म करता है, ये छोड़ देगा। शादी होने के बाद छोड़ देगा, ऐसे बोल रहे हो तुम? हाँ, रिश्ता बना के छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि आपका शुक्र नीच भाव का बैठ गया सूर्य है। का और शुक्र का मैं उपाय करूंगी तो तब वो टिकेगा ना? हाँ, तब वो टिकेगा, क्योंकि कारण है भाई, अब बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का इलाज कर देंगे तो बीमारी निकल जाएगी, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा ना बेटा। इसी प्रकार पति सुख क्यों नहीं मिला, और पति सुख नहीं मिला तो उसका क्या कारण है, वो कारण का हम निवारण कर लेते हैं तो पति सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि आपका शुक्र नीच का सूर्य के साथ बैठा हुआ है शत्रु भाव पे, उससे क्या होता है कि पति प्रेम भी करता है और फिर शत्रुता भी दिखाता है, झगड़ा भी करता है, प्रेम भी करता है।